आज हम बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि दिल्ली में ही है। तो इसके बारे में बात करेंगे जो कि इसके मतलब एक्सपेक्टेड डेट कौन कौन से हैं, किस डेट के आसपास इसका मैं एंट्रेंस जो होता है उसका फॉर्म आ जाता है, फैकल्टीज कैसी है, रिसर्च कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगेन आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये रहा आपका जेएनयू के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट का जो आपका ये है वेबसाइट है उसका होम पेज, ये रहा, आप जाके विजिट कर सकते हो। हर चीज के बारे में डिटेल में मेंशन है, एसपीएस हो गया, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस सब का हो गया, फैकल्टीज है, प्रोग्राम्स है, इवेंट्स है, फैसिलिटीज है, मैथमेटिक्स है, जर्नल है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो मैंने इनके वेबसाइट पे देखा जैसी चीजें हैं उनका मैं एनालिसिस करके आपको दे देता हूँ। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शुड वी गो जेएनयू और नॉट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो न्यूज में आता है, जो मीडिया में आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसमें सच्चाई कितनी है क्या नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, बट क्या हमें जेएनयू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो बात करेंगे दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स, एमएससी फिजिक्स सिलेबस कैसा है यहाँ का, फैकल्टीज कैसे हैं इसके, और शुड वी चूज दिस और नॉट, हमें इसको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर चूज करना चाहिए तो किसके ऊपर किसको रखते हुए हमें चूज करना चाहिए इस चीज को, ठीक है। तो देखो ये अभी अगर मैं 2020 और 21 को अगर बात करते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि ये दोनों साल ऐसे थे जिस टाइम पे इनके एंट्रेंसेस वगैरह जो थे दे वर अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड, कोविड के चक्कर में एग्जाम सारे लेट हुए थे, अलग अलग टाइम पे हुए थे। अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 में आपका फॉर्म जो है 15th ऑफ मार्च को आ चुका था, 18th ऑफ अप्रैल लास्ट डेट थी, आज आपका 23rd ऑफ अप्रैल है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। तो आप ये लगा के चलो ये इसकी रेगुलर डेट्स हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि जेएनयू का फॉर्म जो है वो जस्ट अब आने वाला है, ठीक है, मतलब 18th अप्रैल, 23rd अप्रैल, मतलब अब स्टार्ट हो जाएगा, ये 15-16 मई के आसपास मेरे ख्याल से शायद इसकी लास्ट डेट होगी अगर फॉर्म्स आएंगे तो। जैसे इसका एंट्रेंस जो होता था एडमिट कार्ड आपका 15th ऑफ मई, तो ये तो भूल जाओ, ये शायद ही होने से रहा, इसके आसपास नहीं होगा। आपके एंट्रेंस की जो डेट होगी वो जून तक में जा सकती है, एंट्रेंस की डेट जून तक में जाएगी, रिजल्ट वगैरह जो है जुलाई तक में आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आंसर क्या बोलते हैं रिजल्ट वगैरह जो जुलाई तक में आएगा, फिर उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मोटा लमसम मान के चलो अगस्त के आसपास से एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोविड की सिचुएशन जैसी है अभी कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है, अगर ना हुई तो, अगर खराब हो गया तो फिर वही डेट जो है जैसे 21-22 में हुआ था सितंबर अक्टूबर तक में डेट जाएगी, तो चांसेस है उसके। तो अभी उन प्रोबेबिलिटीज को छोड़ दिया जाए तो आपको प्रिपरेशन की कंटिन्यू रखनी चाहिए, मान के चलो कि जून के सेकेंड और थर्ड वीक के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा या उसके इधर ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं कोर्सेस इन एमएससी फिजिक्स की बात करूं तो ये देखो सेमेस्टर वन के इनके कोर्सेस हैं, दैट इज आपका हो गया मैथमेटिकल क्लासिकल क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका लैब है, फिर सेमेस्टर टू में क्वांटम स्टैटिस्टिकल ईएमटी मैथमेटिकल एंड रिलेटिव फिजिक्स। देखो जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज में रिलेटिव फिजिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ही इंक्लूड होता है, जिसको अल्टीमेटली क्लासिकल मैकेनिक्स 2 या 3 ऐसे करके नाम से दिया जाता है। बात ये अल्टीमेटली कि इसका सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू जो है पूरा कंप्लीटली आपका जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए, मतलब सीएसआईआर नेट जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया, आपको सामने ये दिख रहा है। सेमेस्टर थ्री जो इसमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, सब एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, फिजिक्स लैब 3 है, और इलेक्टिव्स उसके बाद सेमेस्टर 4 में आपके इलेक्टिव्स वगैरह ये सारे हैं। तो ये आपको दिखेगा कि ये जो है यहाँ पे सेमेस्टर 3rd से आप लोगों का स्पेशलाइजेशन या ये सारी चीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट वगैरह जो कुछ भी होगा, ये स्पेशल पेपर जो भी आपको चूज करना है वो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान रखोगे एक चीज का कि सेमेस्टर 3 में इन्होंने सेमेस्टर 3 तक कोई भी इलेक्टिव्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, सारे कोर पेपर ही हैं, मतलब ये सारे पेपर ऐसे हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे, सेमेस्टर 4 में आपको इलेक्टिव्स लेने हैं। और इस साल की अगर बात करें तो इस साल इन्होंने जो लिस्ट दे रखी है मैं आपको वो दिखा देता हूं, इस साल इन्होंने लिस्ट दे रखी है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज जो है इसमें आपके फिजिक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आउट ऑफ दीज 7 पेपर्स आपको 3 कोर्सेस चूज करने हैं, इसमें से मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से कंपलसरी होगा, बाकी ये 3 पेपर जो आपको चूज करने, मतलब इन 6 में से कोई 3 पेपर आपको चूज करने हैं, ठीक है। ये इस बार का सर्कुलर है, ये आपको दिख रहा होगा 14/2022 को ये आपका सर्कुलर आ रखा है, समझ गए जी। तो इसका मतलब ये कि ये जो आपको मतलब इलेक्टिव्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो आपको सिर्फ 4th सेम में प्रोवाइड करते हैं, अनलाइक दूसरे यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कल जो रिव्यू किया था जामिया का और उसके बाद मैंने डीयू का जो रिव्यू किया था, डीयू जामिया ये जनरली क्या करते हैं, ये 3rd सेमेस्टर से ही आपको इलेक्टिव्स वगैरह देना स्टार्ट, इवन जामिया तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही देना, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ही देना स्टार्ट कर दिया था,
ठीक है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से कम है, ठीक है, इनमें से आपको पेपर चूज करने हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे क्वांटम क्वांटम फील्ड थ्योरी आपका, ये एस्ट्रोनॉमी हो गया, इसके सब्जेक्ट्स हैं नो डाउट, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स है, चीजें हैं ये नो डाउट, यहाँ पे चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग। बट जनरली अगर टू बी ब्रॉड, मतलब एक बहुत ब्रॉड लेवल में अगर बात करें, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है वो जेएनयू का, मतलब जैसे कोर्सेज जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू जामिया या डीयू या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर के कंपैरिजन में, ठीक है। हाँ, और जो कंडेंस मैटर वाला पार्ट है, जैसे आप अगर मैं सिलेबस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया या इसके मतलब जनरली यहाँ पे देखो कंडेंस मैटर फिजिक्स, सबटॉमिक फिजिक्स हो गया, तो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपका इसमें जेएनयू में कंपैरेटिवली ज्यादा है, डीयू में ये सारे ऑप्शन ही हैं, आपका बीएचयू की बात करो या आईआईटी बॉम्बे की बात करो उसमें भी ये सारी चीजें ही अवेलेबल है अच्छे तरीके से। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कंजूसी बरती है कि फोर्थ सेमेस्टर में ये लोग इलेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करें, थर्ड सेमेस्टर में इलेक्टिव प्रोवाइड नहीं किया। इवन प्रोजेक्ट वगैरह जहां पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो एक एक साल का प्रोजेक्ट देती है, ये इन लोगों ने 6 महीने का ही प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन जो जिसको मिनी पीएचडी आप कह सकते हो, छोटा मोटा एमएससी के टाइम की पीएचडी जो है वो आप कह सकते हो, तो ये इन्होंने यहां पे कर रखा है। तो यार देखो सीधी सी बात है, अगर प्लान कर रहे हो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में मतलब जाना है, एमएससी करनी है, एमएससी में ही थ्योरेटिकल फिजिक्स आपको स्पेशलाइजेशन में रखना है और बहुत अच्छे से रखना है, इन दैट केस जेएनयू को आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो आप, इन दैट केस यू कैन गो फॉर डीयू, यू कैन गो फॉर आईआईटी, जो दूसरे आईआईटीज में आपको दिखाते हैं, आईआईटी गुवाहाटी हो गया या फिर आपका आईआईटी ये हो गया जामिया भी इवन आप जा सकते हो, बट पढ़ाई कैसी होगी जामिया में, फैकल्टी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जेएनयू इस मामले में जेएनयू से थोड़ा सा कहीं आगे जो है वो जामिया जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बट आपको बाकी चीजें भी देखनी है, सिर्फ इन्हीं के भरोसे नहीं रहना है, बाकी ये आपका सिलेबस हो गया। जैसे देखिए मैं देख लो यहाँ पे अगर मैकेनिक्स की बात करूँ तो मैकेनिक्स का सिलेबस में ये है, देखो ये पूरा पूरा जो आपका सिलेबस है ना, ये पूरा आपका नेट जीआरएफ का सिलेबस है, ये हर टॉपिक जो आपके मैकेनिक्स के नेट जीआरएफ के सिलेबस में है, ठीक है। तो सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया उसी तरह से, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है कंप्लीटली डिजाइंड है आपके सीएसआईआर नेट को देखते हुए, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। फैकल्टीज की बात करो, देयर आर 33 फैकल्टीज हियर, जो इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग फिलहाल 33 फैकल्टीज है, कुछ फैकल्टीज हैं जिनके डिटेल्स जो है आपके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, आप इनका अगर होम पेज खोलने जाओ तो कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं चलती, बट ठीक है। फैकल्टीज जो है मेरे ख्याल से जेएनयू जो है 30-40 से ज्यादा सीटें नहीं देता होगा, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा ये सीट देता होगा, क्योंकि 9,000 बच्चों का ही तो पूरा जेएनयू है, 9-10 हज़ार बच्चों का इजी नहीं हुआ पूरा, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें इसे एमएससी में ये इससे ज्यादा सीट्स देगा, क्योंकि और भी दूसरे कोर्सेस हैं, कितने कोर्सेज होंगे यार, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, तो मुझे लगता नहीं कि उससे ज्यादा भी सीट्स हो सकते हैं इसमें 30-40 से ज्यादा। कोई अगर किसी को पता जो जेएनयू का है तो मेरे को बता सकता कमेंट सेक्शन में कि इसमें कितने सीट्स अवेलेबल है। बट फैकल्टीज जैसे थ्योरिटिकल के मैंने फैकल्टीज देखे ठीक है, अच्छे हैं, जैसे ये है प्रोफेसर देवाशीष घोषाल, तो ही इज पीएचडी इज फ्रॉम टीआईएफआर, और इनका एमएससी जो है दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, और बीएससी फिजिक्स जो है दैट इज फ्रॉम सेंट जेवियर कलकत्ता इन 1985, तो इनका जो स्पेशलाइजेशन दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम फील्ड थ्योरी, और ये तो है, ऐसा नहीं है कि फैकल्टीज ना के बराबर, बट मैंने आपको पहले बोला था ना कि देखो बल्क में फैकल्टीज जैसे होने चाहिए ना, देखो एक बात समझ लो, थ्योरेटिकल फिजिक्स की फैकल्टीज इन सारे टॉपिक्स में आपको हर यूनिवर्सिटी में कम ही मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बल्क में नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन 3-4-5-6 होने से थोड़ा फायदा ये होता है कि अगर इनके पास प्रोजेक्ट करने के लिए सारे बच्चे तो नहीं जा सकते, ये इनके पास भी लिमिट होगी, 2-3 बच्चों को अपने पास रख सकते हैं, बाकी सारे बच्चों को अपने पास नहीं रख सकते ना, और बच्चे अगर ज्यादा रहेंगे तो ये ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात। तो ऐसा कि अगर फैकल्टीज बल्क में हो तो ऑप्शंस बाकी बच्चों के पास भी रह जाता है, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल फिजिक्स ऐसा होता है जिसमें सबका इंटरेस्ट देखने लग जाता है, तो सारे बच्चों को एक ही फैकल्टी तो नहीं संभाल सकते ना, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में, हाँ पढ़ाएंगे ये आपको जीटीआर पढ़ाएंगे, आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया या आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी हो गया, ये सारे टॉपिक्स ये लोग पढ़ाएंगे क्लास में, क्लास में पढ़ाना थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू जो पर्सनल गाइडिंग होती है, वो थोड़ा सा अलग सा होता है ना। जैसे ये मैम है रिद्धिशा, तो इनका भी प्रोफाइल वही चेक कर लो, इनकी पीएचडी जो इन मैथमेटिक्स दैट इज फ्रॉम टीआईएफआर, उसके बाद फिर बीएससी मैथमेटिक्स जो इनका फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज है, उसके बाद फिर इनकी एमएससी जो है दैट इज फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे से इनकी है इन 1986, तो ये सारी है। तो बहुत सारे फैकल्टीज हैं इनका, आप देख सकते हो बहुत आराम से, अच्छे से जाके देखो प्रोफाइल्स वगैरह सारे अच्छे से देख लेना, कुछ टीचर्स की प्रोफाइल जो वो ओपन नहीं हो रही, बट एक कह सकते हैं ना कि हाँ बच्चों के अकॉर्डिंग प्रोफाइल जो है मतलब टीचर जो है वो फैकल्टी जो है स्ट्रांग है नो डाउट, अगर 30-40 स्टूडेंट्स अगर ले रहे हैं तो भी 33 फैकल्टीज यार बहुत ज्यादा है, अच्छे हैं, मतलब अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बीएससी होती नहीं है, तो टीचर्स जो है वो एमएससी और पीएचडी में ही लगे रहेंगे, तो ये है। अच्छा हॉस्टल्स की अगर बात करें तो 17-18 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, एग्जैक्टली आईआईटी बॉम्बे के बराबर, बॉम्बे में भी 18 ही हॉस्टल है फिलहाल,
तो हॉस्टल जो अच्छे हैं, मतलब हॉस्टल ठीक है, अच्छे ही हैं इनमें सब में, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हॉस्टल मिल जाते हैं तब तो खैर बहुत अच्छी बात है, अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको वही जेएनयू का जो एरिया पड़ेगा और मेहरौली वगैरह के आसपास दिल्ली में, उसके आसपास आपको रेंट करके रहना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली आपका जैसे डीयू का आपके चार्जेस, डीयू में मतलब डीयू में अगर आपको हॉस्टल ना मिले तो खर्चा जैसे पड़ेगा, जेएनयू में भी खर्चा जो ऑलमोस्ट ऐसा ही पड़ने वाला है, क्योंकि ये भी दिल्ली है, बट डीयू के मुकाबले जेएनयू में हॉस्टल ज्यादा है और इनकी इनटेक कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो डीयू और जेएनयू में से अगर आपको चूज करना है इस मामले में तो बेटर टू प्रेफर जेएनयू, लेकिन थ्योरेटिकल में अगर बल्क में टीचर ज्यादा चाहिए तो फिर डीयू जा सकते हो, जेएनयू को आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात होगी शुड वी चूज जेएनयू और नॉट। देखो यार न्यूज वगैरह में तो बहुत चीजें देखोगे, ठीक है, तो मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि आपको मतलब न्यूज को देख के कुछ डिसाइड करो, न्यूज को देख के डिसाइड कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं डिसाइड करना। डिसाइड कैसा करना, अपने खुद के कंसेंस पे करना है, ठीक है, खुद के कंसेंस पे ही करना है, ये कम्युनिस्ट है, ये है, इसमें दंगे होते हैं, वो तो कुछ नहीं होता, ये फालतू बातें, वो छोटी छोटी बातें होती है, ये हर यूनिवर्सिटी में इतना होता रहता है जो पता भी नहीं चलता किसी को। तो आप उनसे खुद को आइसोलेट रख सकते हो और आइसोलेट रख के पढ़ाई कर सकते हो। अब जेएनयू ऐसा हो जाता है वो दिल्ली के इस एरिया में पड़ जाता है और लोग पीछे पड़े हैं इसके जेएनयू के, तो ऑब्वियसली कुछ भी बातें होती है तो ये बातें बहुत ज्यादा फैल जाती है। आपको इन चीजों को ध्यान में ना रखते हुए आपको बस फैकल्टीज देखने हैं कि फैकल्टीज कैसी है, फिजिक्स की पढ़ाई कैसी है, और आप खुद को कैसे ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, आप इसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि वी शुड गो जेएनयू और नॉट। तो यहां पे इन सारी चीजों को हटाओ, आप ये देखो फैकल्टीज आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, दूसरी चीज क्या सिलेबस अच्छा है, और नो डाउट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इनका बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो आपको नेट जेआरएफ को ऑब्वियसली फोड़ना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग जेएनयू इज बेस्ट, जेएनयू इज गुड, बहुत अच्छा है। बात होगी कि सर कंपेयर करना, मतलब अब और अगर ये एनआईएफ की रैंकिंग देखो यार, इसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पे जेएनयू ये हमेशा आपको सेकंड थर्ड पे आपको हमेशा दिखेगा, इंडिया के सेकंड थर्ड टॉप में ये आपको जेएनयू हमेशा दिख ही जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जेएनयू इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी इसका काफी अच्छा है, काफी स्टेब्लिश्ड है, बहुत आराम से आप जा सकते हो यहाँ पे। हाँ हॉस्टल्स वगैरह अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हॉस्टल ना मिले तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट अगेन काम होता ना कि अगर ठीक है, अगर आप मतलब अपने एक पैशन के साथ जा रहे हो कि हाँ मेरे को ये पढ़ना ही है, तो फिर रहना खाना जो होता है वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है, बट मजा आएगा जेएनयू में, आप बहुत आराम से जेएनयू को हर चीज को साइड रखते हुए प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सर डीयू जेएनयू किसको प्रेफर करना चाहिए, तो मैं अभी बोलूंगा यार देखो डीयू में फैकल्टीज मैंने आपको दिखाया था 50-55 के आसपास होंगे, शायद इसके आसपास ही है, इनटेक कैपेसिटी इनकी एमएससी में 300 के आसपास है, जेएनयू ने 33 फैकल्टीज दे रखे हैं और इनटेक कैपेसिटी जो है 40-50, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मुझे लगता नहीं है कि 40-50 के ज्यादा होगा, अगर सीट दिख जाए आपको, देखो यार मैं इतना पता मुझे 100-150 तो नहीं होगा पक्का है, 100-150 फिजिक्स एमएससी में ये स्टूडेंट नहीं लेगा, तो इन दैट केस प्रेफर जेएनयू। आईआईटी अगर आपको कोई मिल चुका है टॉप आईआईटी, जैसे आईआईटी गुवाहाटी तक अगर आपको कोई मिल चुका है, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, रुड़की हो गया, इन तक में कोई मिल चुका है, ठीक है, या इवन जैसे आपको ये एनआईटी में भी अगर राउरकेला वगैरह ये सब आपको मिल चुका है, ठीक है, इन दैट केस गुड, बहुत अच्छी बात है, आप उनमें ही रहो, ठीक है, आपको जेएनयू आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल रहा है जैसे आईआईटी इधर के नीचे वाले जाए, पड़क्कल हो गया, या फिर आपका ये हो गया विलय हो गया, या ये हो गया, अगर ऐसे आईआईटीज मिल रहे हैं जहां से आपको एमएससी करने का मौका मिल रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि एक बार डीयू जेएनयू या बीएचयू इनके एंट्रेंसेस दो, एडमिशन हो जाए जेएनयू में, जेएनयू को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी डीयू जेएनयू लगभग एक जैसा ही पड़ेगा इस मामले में, हाँ जेएनयू थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा आपको लिबरल मिलेगा एज कम्पेयर टू डीयू, डीयू से बेटर इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ की वजह ना, कि डीयू में थोड़ी सी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू जेएनयू, तो जेएनयू इस मामले में जेएनयू इज बेटर, ठीक है, इस मामले में शायद जेएनयू आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा लिबरल है और ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, बस इतनी सारी बातें थी और मैं क्या ही बोलूँ इस पर, तो ठीक है यार, बाकी जो है किसी एक दिन HCU पे एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि HCU जो है आपको ज्वाइन करना चाहिए और HCU को किसके ऊपर प्रेफर करना है या किसको प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा।